बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नैतिक टीवी को, साथ ही इस बेल आइकन घंटी को करें ऑल पर सिलेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन, आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, समय बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि अभी यह खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रशेखर आजाद को तेजस्वी यादव ने अपना समर्थन दे दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद तमाम दलों से गठबंधन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 35 दलों से उनका गठबंधन हो चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मिश्रा ने भी चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर विधानसभा सीट से, जहां पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बसपा से सीमा कुशवाहा, जो कि अभी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई हैं, उन्हें भी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि यह खबर निकलकर सामने आई कि सीमा कुशवाहा अब चंद्रशेखर आजाद के सामने गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये आपको बता दें कि ऐसी खबर निकलकर सामने आई, तमाम लोगों सोशल मीडिया पर इस बात को आपको बता दें कि जमकर शेयर कर रहे हैं कि सीमा कुशवाहा चंद्रशेखर आजाद के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, गोरखपुर से वो और कहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।